नई गाड़ी मिलने की खुशी में मुझसे खुला चाहते हो? मैं मटेरियलिस्टिक नहीं हूँ और ना ही मुझे मटेरियलिस्टिक लोग पसंद हैं। तुम्हें सिर्फ वो पसंद होना चाहिए जो मुझे पसंद है। क्यों? आखिर शौहर हो तुम्हारा। देखो सलमान, ये मेरा ऑफिस है, मुझे यहाँ ये सारी बातें नहीं करनी। क्या हुआ है हमारे दरमियान? ना कोई झगड़ा हुआ है, ना कोई लड़ाई हुई है, फिर इतने नखरे क्यों दिखा रही हो? मैं नखरे नहीं दिखा रही, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि ये मेरा ऑफिस है, ये बातें यहाँ नहीं करनी मुझे। बातें तो मुझे भी करनी है, लेकिन यहाँ नहीं, किसी अच्छी सी रोमांटिक जगह पर। तुम्हारे दिल में जितनी भी मैल है मेरे लिए सब धोनी है मुझे। चलो कहीं चलते हैं। मुझे बहुत काम है ऑफिस में। मुझसे ज्यादा जरूरी है। सब मैं कह रहा हूं चलो तो चलो। जीप साहब, मुझे ना इमरजेंसी में घर जाना पड़ रहा है, तो आप मेरी क्लास ले लीजिएगा। मुझे बताइए तो सही, आखिर हुआ क्या है? मैं परेशान हो रहा हूँ। अरे भाई, मेरे समधी और समधन घर आए बैठे हैं। मिशाल का बहुत परेशानी में फोन आया है। अब मैं जाऊंगी तो पता चलेगा ना कि क्या बात है। अच्छी भली पढ़ी लिखी समझदार बच्चियां थी, पता नहीं किन जाहिलों में फंसा दिया आपने। खैर, आप परेशान ना हो। ठीक है, आप देख लीजिएगा। खुदा हाफिज़। जी क्या हुआ, बात हुई तुम्हारी? मम्मी से तो हो गई है, वो आ रही है दादी। और वो महारानी, फसाद की जड़, उससे भी बात हुई है या नहीं हुई? इतनी दफा फोन किया उसको, वो फोन ही नहीं उठा रही है, और मुझे पता भी नहीं कि वो है कहाँ। करती रहो, बार बार फोन करती रहो जब तक वो उठा ना ले। ए, आज सबके सामने उसका वो हशर करूंगी ना, याद करेगी जिंदगी भर। तुम मिलाती रहो नंबर, करती रहो उसको फोन, ठीक है? हेलो। आलिया साहिबा, ये बताइए कि मायरा कहाँ है? आई थिंक सर वो बाहर चली गई है। आई थिंक क्या मतलब, आपको बता के नहीं गई? शायद उन्हें जबरदस्ती जाना पड़ा है। जबरदस्ती क्या मतलब? उनके हस्बैंड आ गए थे। ओके, थैंक यू।
तुम्हें क्या हो गया है? क्यों इस तरह से गाड़ी चला रहे हो? अगर तुम मेरी जिंदगी की गाड़ी से उतरी तो ऐसे ही तुम्हें और खुद को अचानक मार दूंगा। कितनी देर ऐसे गाड़ी चलाते रहोगे? मुझे वापस जाना है ऑफिस, मेरा काम है वहां पे। क्या सुनाई देता? हो गया, कोई देख लेगा। अरे कोई देखता है तो देख ले, बीवी हो तो मेरी। ये दिल तुम्हारे नाम से धड़कता है, पागलों की तरह प्यार करता हूं तुमसे। बचपन में तुम्हारे साथ निकाह ने जिंदगी में कभी किसी और के बारे में सोचने तक नहीं दिया मुझे। ठीक है, लेकिन अभी चलो यहां से। नहीं चलूंगा मैं, नहीं चलूंगा। तुम बताओ, तुमने अरसलान को वो बातें क्यों बताई? मैंने कहा था ना, वो हम दोनों की आपस की बातें हैं। क्योंकि मुझे भी सफोकेशन होती है, मुझे भी किसी से बात करनी है। मैं कब तक तुम्हारी ज्यादतियां सहती रहूंगी? ज्यादती? मेरा प्यार, मेरी तवज्जा, तुम्हारे बारे में मेरा पोजेसिव होना ज्यादती लगता है। अच्छा सच सच बताओ, मैंने तुमसे तुम्हारी गाड़ी मांग ली इसलिए तुमने असलान से कहा ना कि तुम खुदा ले लोगी? नहीं, इसलिए नहीं कहा है मैंने। तो गैस की वजह आते रहा? नहीं, भी पूछा था तुमसे जब वो रिश्ता लेकर आया था, तुमने ऐसे ही खामोशी अख्तियार की और फिर मरे मरे अंदाज में कहा नहीं। आज फिर वही कह तुमने। अगर इसकी वजह आते निकला तो खुदा की कसम तुम्हें उसे खुद को सब कुछ जान से मार दूंगा मैं।